हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो आज के वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे मंडे को जब मार्केट ओपन होने वाली है, कौन से स्टॉक्स हैं जो बेटर प्रॉफिट दे सकते हैं। और आज के वीडियो में ना मैं तीन स्टॉक्स तो मैं रिकमेंड करता हूँ, उसमें से एक दो स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आप एक डेढ़ महीने के लिए भी उस पे पोजिशन होल्ड करके रख सकते हो। तो इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने देखा था ना, लास्ट फ्राइडे को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी मार्केट, तो किस तरीके से रिएक्ट करना है और किस तरीके से अपनी पोजीशन को बना के चलना है, पूरी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब गाइस, मैंने आप लोगों की प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसमें ऑलमोस्ट 250 कमेंट्स थे, जिसपे आप लोगों ने मुझे बताया कि किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो ऑप्शन सीरीज के ऊपर लेकर आऊँ। सो मैंने सोचा कि देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप एक पूरी वीडियो ही बना दीजिए एक ही बार में, और कोई लोग कह रहे हैं कि आधी आधी 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस बनाओ। सो मैंने सोचा यार, मैं पहली बार एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पहली बार कुछ ऐसी एक वीडियोस बना रहा हूँ, तो पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। सो मैंने अपनी पहली वीडियो कंप्लीट कर ली है, मैंने पहली वीडियो अपनी बना ली है, और वो गाइस पहली वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट की बनी है। ऑलमोस्ट अभी जो मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया है, ऐसे मेरे को चार वीडियोस और बतानी है, मतलब आप समझ सकते हैं 200 मिनट की मैं अगर पांच वीडियोस बनने वाली है। सो आई थिंक मैं एक वीडियो के अंदर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे चार पांच वीडियोस ही बनानी पड़ेंगी। बट 15 मिनट की कोई भी वीडियो नहीं बन पा रही है, सारी 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के बिटवीन ही वीडियो बन रही है। सो नेक्स्ट वीक सैटरडे तक मुझे लगता है कि मैं सारी वीडियोस भी कंप्लीट कर लूंगा और उसका एडिटिंग का पार्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आप लोगों को उस पे नीचे सबटाइटल्स चाहिए इंग्लिश में या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए होंगे तो मेरे हिसाब से सैटरडे तक हम लोग सारी वीडियोस को लाइव कर देंगे, हर दिन एक एक दिन में हम नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। पांच वीडियोस है तो पांच दिन के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको सबटाइटल्स चाहिए तो एक दो दिन और एक्स्ट्रा लग सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी पहली वीडियो बनाई है, अब उसको हम पूरा तैयार कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, वो सारा कुछ। आज बैठ के मैं दोबारा अपनी दूसरी वीडियो भी क्रिएट करूंगा। सो गाइज प्लीज बी पेशेंट, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया कंटेंट मेरी तरफ से प्रोवाइड होने वाला है। दूसरी और बहुत अच्छी चीज़, आप एक बार चेक कर रहे होंगे कि अब वॉइस पे एको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एकूस्टिक फॉर्म्स साइड में लगा दिए हैं। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया ब्लू येटी का हम लोगों ने एक माइक लिया है, जिससे ना जो भी सराउंडिंग्स की वॉइस होती है वो पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। सो आई थिंक अब यहाँ पर आप लोगों को जो वॉइस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और एको की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है मेट्रोमोनी। अब मेट्रोमोनी पे अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो एनालिसिस आज की होने वाली है ना, तीनों स्टॉक्स के अंदर तीनों एडवांस एनालिसिस होने वाली है, थोड़े बहुत चीज़ें हम लोग टूल्स यूज करने वाले हैं, तो आप लोग समझिएगा एंड वीडियो को जरूर देखिएगा ध्यान से कि मैं क्या क्या टूल्स का यूज कर रहा हूँ। आने वाली और वीडियोज पे इनका यूज होगा तो आप लोगों को ना टाइम टू टाइम पता चलते रहेगा और मैं सिखाते रहूँगा, बट अभी के लिए आप फोकस करिएगा सिर्फ। सबसे पहले हम लोगों ने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है, इसके अलावा हम लोगों को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है एट पर्टिकुलर दिस लेवल पे, मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये एक हर्डल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब जब मैंने देख लिया कि एक सपोर्ट मुझे पता चल गया, एक रेजिस्टेंस मुझे पता चल गया, अब मुझे अंदर एनालिसिस करनी है, इस रेंज के अंदर एनालिसिस करनी है, पता लगाना है वेयर इज माय टारगेट, स्टॉप लॉस क्या है, एंट्री लेवल क्या है और हर्डल्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो अब जूम कर लें थोड़ा सा, ठीक है। मेट्रोमोनिया स्टॉक का नाम अगर मैं देखूं तो यार यहाँ पर एक हर्डल मुझे और देखने को मिल रहा है एट पर्टिकुलर दिस लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले एक रेजिस्टेंस है, ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइम एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस फेस करा, जब ब्रेकआउट दिया इसने रेजिस्टेंस का तो ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, दोबारा सपोर्ट लिया और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन करा तो उसके बाद अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा ये अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, इसके ऊपर एक क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। सो राइट नाउ जो करंट प्राइस है इसका वो है 1047 का। हमें कहाँ पर बाय करना है, हमें बाय करना है 1055 के ऊपर। अभी वो हम लोग चेक करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है, तो हम लोग अपना बाय का मौका देखेंगे। बट अभी हम लोगों ने डिसाइड ये करा है कि हमें बाय करना है 1055 के ऊपर।
अब इसके अलावा अगर मैं फर्दर एनालिसिस करूं कि इन बिटवीन आप देख रहे हैं ना, ये जो मूवमेंट आया है फॉल का, यहाँ पर कितनी ज़्यादा विक्स क्रिएट हुई है और कितनी ज़्यादा हर्डल्स हैं, तो मुझे देखना है कि जब यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा और यहाँ तक पहुँचेगा तो इन बिटवीन उसे कितनी ज़्यादा परेशानियों का फेस करना है, कितनी ज़्यादा मुश्किलें को फेस करके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जो टूल्स यूज़ करते हैं वो होता है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर जब मैंने यूज़ करा तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो हर्डल ये फेस कर सकता है वो एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल पे कर सकता है। तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। देखिए, इस वीडियो पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आने वाली वीडियोस पे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैंने देखा जो अगर मैं इसके ऊपर एक बाइंग करता हूँ तो मेरा जो टारगेट आ रहा है वो 1100 और 1120 के आसपास आ रहा है पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट है 1200 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। तो मैं 11,055 के ऊपर बाय करूंगा, पहला हर्डल जो है वो 1100 का है, तो मेरा पहला टारगेट ही वो है। इसके अलावा मेरे को एक पैटर्न और दिख रहा है जिसको हम लोग हार्मोनिक पैटर्न कहते हैं, एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न पे अगर मैं फिबोनाची का भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम लोग मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं, ये मेरी एनालिसिस होती है एक्चुअल बेसिस पे, बट मैं आप लोगों को इजी वे पे दिखाता हूँ, बिकॉज ना मैं ये चीज़ें अगर आपको एक ही बारे में बता दूंगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, सर आप लोग आप जो एक एडवांस स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, जो एडवांस मेथड से स्टॉक को फाइंड करते हो वो मुझे बताओ। तो हम ऐसे टूल्स के हिसाब से फाइंड करते हैं एंड फिर टाइम टू टाइम इसको हटाते रहते हैं। अब आप ध्यान से फोकस करेगा, सबसे जो यहाँ पर पॉज लिया है और जहाँ से हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है, वो लेवल क्या है फिबोनाची के हिसाब से 78.6 लेवल, ठीक है 78.6 लेवल। अब हमें बाय कहाँ करना है, हमें बाय करना है 61 के ऊपर कैंडल क्लोज कर चुके हैं, मेरे हिसाब से बाय कर लेना चाहिए, बट हम लोग बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली उसी के 5-7 रुपये ऊपर एक हर्डल है, हमें उसके ऊपर बाय करना है। सो ऐसे एनालिसिस बनाई जाती है। अगर आप सिर्फ फिबोनाची के बेसिस पे ट्रेड लेते तो अभी बाय सिग्नल दे चुका है। दूसरी चीज़, अगर आप एक हार्मोनिक पैटर्न के फॉर्म पे ट्रेड लेते तो भी बाय सिग्नल ऑलरेडी बन चुका है। बट जब हम लोग फर्दर एनालिसिस करते हैं ना तो हम लोगों को एक्चुअल में पता चलता है कि हमें बाय करना कहाँ पर है। सर इतनी सारी चीज़ें तो आपने बता दी, अब बताइए कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस लेवल के ऊपर मुझे बाय करना है। सो आई थिंक जो मेरा पहला टारगेट है ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर है। इसके अलावा जो मेरा सेकंड टारगेट है वो 10% से भी ज़्यादा ऊपर है। सर अब स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन करें? देखिए, मेरे हिसाब से ना स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे, वो भी 5% का स्टॉप लॉस है। सो मेरे हिसाब से पहला टारगेट अगर आप लेकर चलते हैं तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और अगर आप दूसरे टारगेट तक पोजीशन को होल्ड करते हैं तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 का है, 1:2.5 का है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, एंड ये टारगेट है। अब क्यों ये स्टॉप लॉस है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट के पहले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मैंने देखा यार हमें इस पर्पल कलर के जोन के ऊपर, इसी जोन के ऊपर बाय करना है ना। तो 15 मिनट की कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होती है हम लोग बाय कर लेंगे। वो लेवल 1060 भी हो सकता है, 1062 या 23 भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करिए हम लोग बाय कर लेंगे। आप देख रहे होंगे अभी कि जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है एक शार्प सेलिंग प्रेशर इधर भी देखने को मिला, इधर भी देखने को मिला। अब मैंने आपको जो अभी स्टॉप लॉस बताया वो उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब आप देखिएगा कि जब भी इस लेवल पे आता है, इन्हीं लेवल्स के आसपास आता है, एक शार्प सेलिंग प्रेशर आता है, और वो स्टॉक कहाँ तक गिर जाता है वो आप देख रहे होंगे, इस लेवल तक गिर जाता है, जो कि 1020 के बीच का लेवल। तो मैंने इसीलिए स्टॉप लॉस उस लेवल के नीचे पुट करा है कि अगर ऐसा कुछ एक वॉलेटिलिटी दिखे ना स्टॉक के अंदर, आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ऐसे एक्चुअल में हम लोग अपने स्टॉक्स की एनालिसिस और रिसर्च करते हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला स्टॉक समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। एक बार दोबारा ना वीडियो पीछे करके आप दोबारा चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है उषा मार्ट। उषा मार्ट पे भी थोड़ी एडवांस एनालिसिस है और इजी वे में बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। ये रहा मेरा सपोर्ट एंड ये रहा मेरा एक रेजिस्टेंस। तो हमें इस चीज़ से ये पता चला कि ये एक चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है, एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है और बहुत टाइम से कर रहा है। तो ये अगर हम लोग बाय ऑन डिप्स करेंगे, बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या है, कहाँ पर बाय करेंगे, सपोर्ट लाइन के आसपास। तो जो टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो राइजिंग जो रेजिस्टेंस है ना, राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस लाइन, वो हमारा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मैं थोड़ी सी फर्दर एनालिसिस करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिएगा इस लेवल पे, ये देख रहे हैं, ये एक हर्डल लिया, ये छोटा सा पॉज लिया। पॉज लेने के बाद हम लोगों ने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है तो मुझे पता चला जब एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, तो पहले तो ये सपोर्ट हुआ करता था, अब जब गैप डाउन ओपनिंग हुई और पुल बैक लिया तो वो लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। सेकेंड टाइम आया यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बन गया और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे एग्जैक्टली इसी लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसका करंट प्राइस है 71.60 रुपीज़ के आसपास का। अब हमें इसके ऊपर ही बाय करना है, वो हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस के। तो टारगेट मेरे हिसाब से बेटर है, इसके ऊपर अगर हम लोग बाय करेंगे तो दैट शुड बी द टारगेट, और स्टॉप लॉस मैं रखना चाहूंगा इस लेवल पे, ठीक है। अब सर आपने बोला ये स्टॉप लॉस आप लेकर कहाँ से आए, तो ये मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा। तो हम लोगों ने क्या करा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, दोबारा हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का यूज करेंगे एंड यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। सो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मल्टीपल वॉल्यूम्स जो सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिल रहे हैं वो एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल, लेट मी शो यू, इस लेवल पे मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आई थिंक जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इसी लेवल पे होगा। किस लेवल पे? इसी एग्जैक्टली लेवल पे होगा, ठीक है। तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस इधर मेंटेन कर लेते हैं एंड टारगेट हमारा प्रीवियस आया है। अब आपके माइंड में एक चीज और आ रही होगी, देखिए मैं आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना वो मैं दोबारा थिंक करके आपको आंसर्स देने की कोशिश करता हूँ कि आप आने वाले टाइम पे कंफ्यूज मत हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर कि आप यहाँ पर तो बाय करने की सलाह दे रहे हैं, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, क्या यहाँ से एक फॉल नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है, आ सकता है, बट वो जो फॉल आ सकता है हायर चांसेस हैं इस स्टॉक के अंदर कि वो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने के लिए आए और दोबारा एक नया हाई क्रिएट करे। सो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अब ये मैंने कैसे कंफर्म करा, ये मैंने कंफर्म करा प्रीवियस इस रिसर्च पे, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल हर्डल्स थे। एग्जैक्टली जब इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया अपनी ट्रेंड लाइन पे, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर नहीं ले रहा था, जैसे ही सपोर्ट लिया और ऊपर गया, आप खुद यहाँ पर देख सकते थे कि यहाँ पर मल्टीपल हर्डल्स थे, क्या यहाँ से ये नीचे नहीं आ सकता था दोबारा? आ सकता था, बट इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर चला गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी यही पोजीशन कर सकता है, ठीक है, हो सकता है ये यहाँ पर आए, दोबारा एक बार नीचे आए 71 के आसपास आए और एक पुल बैक ले ले। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक बार पहले एक रीटेस्ट आने का वेट करो, अदरवाइज जब ब्रेकआउट हो ना तो कुछ क्वांटिटीज बाय कर लो, जब नीचे आए तो वो आधी क्वांटिटीज जो आपकी रिमेनिंग थी उसको दोबारा एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करके चल सकते हैं। अब बाय कब करना है हमें? 72 के ऊपर, 72 के ऊपर जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी हम लोग बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस इस तरीके से है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1:7 का रिस्क टू ओवर रेशियो, 1:1.7 का रिस्क टू ओवर रेशियो है जो आपको आराम से स्टॉक दिलवा सकता है, ठीक है। एक राइजिंग चैनल के अंदर है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं एंड सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं विद वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। सो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या क्या चेंजेस की आपको लगता है नीडेड है, और अगर कुछ नहीं लगता तो थैंक यू गाइज सो मच। सो अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। सो गाइज हमारा थर्ड स्टॉक है PFC। PFC मैंने आप लोगों को अपनी ना प्रीवियस 2-3 वीडियोस पे ऑलरेडी बता रखा था कि 150-165 तक के आसपास के टारगेट्स हैं स्टॉक के, तो आप लोग बाय कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा एडवांस एनालिसिस के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये बहुत इजी होने वाली है उल्टा, तो आप इसे और अच्छे ध्यान से देखिएगा। अब आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा ना तेज बोल रहा हूँ, तो ना ये वीडियो जल्दी खत्म हो और आप लोग इंटरेस्ट भी ले पाए इस वीडियो पे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसके अलावा एक लाइन जब मैं और ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक इम्पल्स मूवमेंट आई, एक बुलिश इम्पल्स मूवमेंट आई, एक रेंज के अंदर ट्रेड करा, ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल, और उसके बाद रीटेस्ट देने के बाद दोबारा ऊपर साइड में बाउंस करा। सो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं। कौन सा पैटर्न कहते हैं? फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब सबसे पहले ये जो पैटर्न बना है इसके टारगेट्स को डिसाइड करते हैं, इसके टारगेट्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, तो आपको ये एनालिसिस और अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग एक टूल का यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। सो फिबोनाची एक्सटेंशन में लेता हूँ फ्लैग का बॉटम और फ्लैग का टॉप एंड अगेन बॉटम। तो जब मैंने ये लिया तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला जो हर्डल देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली एट दिस लेवल देखने को मिल रहा है, तो मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो आप लोग देख रहे होंगे जो फिबोनाची के हिसाब से 1.272 एक हर्डल है, वो प्रीवियसली भी एक हर्डल है जो कि एक पहले रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर चुका है।
तो हमें बाय कहाँ करना है, हमें बाय इस लेवल के ऊपर करना है। लेवल क्या आ रहा है, लेवल आ रहा है निकल के 140.5 के ऊपर, तो हमें 140.5 के ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है। अब बात करते हैं टारगेट्स की। तो सर पहला टारगेट जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, सेकेंड टारगेट इज दिस एंड द थर्ड टारगेट इज दिस। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा था वो 165 का रहा था, एग्जैक्टली 162-165 के आसपास तक के टारगेट्स है। अब फिबोनाची एक्सटेंशन को मैं हटा देता हूँ। क्या सर इस फ्लैग एंड पोल को फाइंड करने का कोई दूसरा भी होता है कि दूसरे तरीके से भी हम लोग टारगेट फाइंड कर सकते हैं? हाँ, एक तरीका और होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो जो रिमेनिंग पोल है ना, इतना बचा हुआ एक रिमेनिंग पोल है, ये मेरा एक दूसरा टारगेट हो सकता है। सो ब्रेकआउट के टाइम पे ये रहा मेरा टारगेट, जब मैंने ब्रेकआउट हुआ मैंने बनाया तो एग्जैक्टली जो इसका सेकेंड टारगेट निकल के आ रहा है ना, एग्जैक्टली वही लेवल पे आ रहा है, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ट्रेड कैसे करना है। आपने तो दो तीन टारगेट्स बता दिए, अब ट्रेड कैसे करेंगे, कौन से टारगेट पे हमें एक्चुअल पे एग्जिट करना है, तो वो स्ट्रैटेजी बहुत ईजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा फायदे में आपके। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस की। तो ये हमें बाय करना है, इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसके ऊपर हमें बाय करना है। ठीक है, एंड ये रहा हमारा टारगेट। मैं अल्टीमेटली टारगेट तो यही मान के चलूंगा ना, जो कि 15% ऊपर है, इसे हम लोग एक से डेढ़ महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब मेरा स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो एग्जैक्टली इसी लेवल पे निकल के आ रहा है जिस लेवल पे इसने ओपन करा है। क्यों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये इसका एक हर्डल है, ये देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो इस लाइन के थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन है। अब करना क्या, अगर आपने इस लेवल पे बाय करा और आपका पहला टारगेट अचीव हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल आप लोग ना 100 क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं, अगर आप लोग 100 क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो आप 30% क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे, स्टॉप लॉस जो आपका है वो स्टॉप लॉस को और ऊपर ले आएंगे और एग्जैक्टली आप लोग इस लेवल पे ले आएंगे। जब आपका सेकेंड टारगेट अचीव होगा, जैसे ही आपका सेकेंड टारगेट अचीव होता है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने बाइंग प्राइस पे ले आएंगे जिस लेवल पे आपने बाय करा हुआ है। अब देखिए दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो ये सेकंड टारगेट से सीधा डायरेक्टली थर्ड टारगेट चले जाएगा तो आप लोग पूरी क्वांटिटीज एग्जिट कर लेंगे। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो सेकंड टारगेट तक गया, उसके बाद एक गिरावट आ गई। अगर गिरावट आती है तो आपने फर्स्ट टारगेट पे 30% क्वांटिटीज निकाली, सेकेंड टारगेट पे आपने 30% क्वांटिटी निकाली, तो इन टोटल 1000 शेयर में से आपने 600 क्वांटिटीज निकाली। आपने बाय कहां पर करा, आपने बाय करा 140 पे, आपने एग्जिट करा 150 पे, तो 6000 रुपीस का प्रॉफिट आपको अभी भी दिखा रहा होगा। अब अगर ये सेकंड टारगेट से नीचे आ भी जाता है तो आपका स्टॉप लॉस कहां है, आपका स्टॉप लॉस गाइस ये नहीं है, आपका स्टॉप लॉस तो शिफ्ट होकर आपके बाइंग प्राइस पे आ चुका है, तो आप लोग अपने एग्जैक्टली इसी लेवल पे एग्जिट कर लेंगे विदाउट गेटिंग एनी लॉसेस। तो आप अगर यहां एग्जिट करेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, बट जो रिमेनिंग 400 क्वांटिटी थी वो एग्जिट हो जाएगी कोई भी लॉस के साथ में, तो आपको इन दी एंड 6000 का भी प्रॉफिट हुआ। बट अगर आप लोग एम हाई करते हैं कि मैं तो यार पूरी 1000 क्वांटिटी इसी लेवल पे निकालूंगा, तो वहां पर रिस्क है कि यहां से भी स्टॉक नीचे आ सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, यहां से भी नीचे आके स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर बाय चांस स्टॉक यहां पर है और आपने कोई क्वांटिटी भी नहीं निकाली, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर रहे हो, तो भी भाई आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो कोई भी पैसा लेकर आप घर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपने तो बीच में कोई क्वांटिटीज ही एग्जिट नहीं करी। ठीक है, तो ऐसे परफॉर्मेंस होती है कि कुछ कुछ क्वांटिटीज एग्जिट करते रहो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो कि आपको नुकसान ना हो इन दी एंड। ठीक है, तो ये थी हमारा थर्ड स्टॉक। आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की, ऑप्शन डाटा की और एक बार FIR डाटा की। सो गाइस मैंने निफ्टी का चार्ट सेटअप ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज आप लोग देख रहे होंगे कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर, एक राइजिंग चैनल के अंदर ये निफ्टी काम कर रहा था। जब एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा था, एक डेढ़ साल से काम कर रहा था एंड फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। इसने 2nd of September को एक ब्रेकआउट दिया 17,220 रुपीज़ पे। जब एक ब्रेकआउट दिया तो एक अपमूव आई, इट गेव अ रिट्रेसमेंट, अब दोबारा ऊपर गया। दोबारा ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे इसने कैंडल बनाई है जो कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। क्या होता है, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो जो मैं अभी निफ्टी के एनालिसिस बता रहा हूँ ना, इस पूरी एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली हैं। सबसे पहली बात, हम लोग अब एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। क्या हम लोग ने बियरिश कैंडलस्टिक देखी तो क्या हम लोग अब बियरिश में ट्रेड ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को अपना माइंडसेट, हमें स्टॉक की साइकोलॉजी को अब समझना है। स्टॉक की साइकोलॉजी यार मुझे बता रही है यार ये तो एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है,
एक राइजिंग चैनल था उसका भी अपर साइड में ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर ही जाया जा रहा है, तो एक ये बुल रन के अंदर इंडेक्स है। यहाँ पर मल्टीपल हम लोगों ने, आप देख रहे हैं, मल्टीपल हम लोगों ने एक सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे, हम लोगों ने बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस पूरे ट्रेंड के अंदर बहुत देखे, बट वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाए। हल्का सा फुलफिल करना लगता है, हम लोगों को लगता है यार अब तो बियरिश ट्रेंड आने वाला है, वो तुरंत नया हाई क्रिएट कर रहा है। तो हम लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि कोई भी अगर बियरिश कैंडलस्टिक दिखता है, जब तक ये पूरा कन्फर्मेशन या पूरा ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख जाता, तब तक हम लोगों को सेल साइड में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अब दूसरी बात कि सर अगर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तो क्या हम लोग इसको इग्नोर कर दें? बिल्कुल भी नहीं, हम इग्नोर नहीं करेंगे, बट जिस टाइम मार्केट ओपन होगी ना, वो सिनेरियो के बेसिस पे देखकर हम लोग अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, वेदर ऑन द बाय साइड और ऑन द सेल साइड। अभी वो आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न समझिएगा, ये जो पैटर्न है इसको हम लोग कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को बियरिश पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। तो अब आप देख सकते हैं ये एक बुलिश मूवमेंट है, एक बुलिश कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल बनाने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो एक गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे क्लोज हुई। अब आप देख रहे होंगे जो बुलिश कैंडल है इसका जो 50% है, इस 50% के नीचे जाके इस बियरिश कैंडल ने अपनी क्लोजिंग करी है। तो एक अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, ये एक बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल का ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बना रखी है ये एक 50% है, इस पूरी बुलिश का 50% है। जो अब फ्राइडे को जब कैंडल खुली, फ्राइडे को कैंडल खुली गैप अप नीचे आती रही आती रही आती रही आती रही, जो प्रीवियस कैंडल थी उसके 50% के नीचे जाके क्लोज कर गई। तो इस पूरे दो कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग कहते हैं बियरिश पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, अगर ये टॉप पे बनता है तो एक सेल साइड आना स्टार्ट हो जाता है, और अगर बॉटम पे बनता है तो एक बुलिश रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। क्या सर ये इन द पास्ट बना है? हाँ बना है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इन द पास्ट एग्जैक्टली एट दिस लेवल बना है। आप देख रहे हैं ये एक बुलिश ट्रेंड के अंदर था, एक बियरिश पियर्सिंग कैंडल दिख रही है, फिर एक गैप डाउन भी ओपनिंग हुआ और गैप डाउन होने के बाद एक रिवर्सल आया। तो यानी कि यहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन मिला हम लोगों को, पता लगा कि यार शायद हाँ अब बियरिश मतलब गैप डाउन भी खुला, एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना और एक गैप डाउन भी खुला, अब तो भाई एक सेलिंग प्रेशर आना है, अब तो हमें शॉर्ट करना है। थोड़े टाइम बाद देखा अरे भाई ये तो बहुत ही ऊपर चला गया। तो अब पॉइंट समझ रहे हैं, तो इससे हमें पता चला कि कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और हैवी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पर आप लोग मौके सेलेक्ट करिएगा बाइंग के, क्योंकि बुल रन के अंदर अभी स्टॉक है, बुल रन के अंदर ये इंडेक्स है, तो हमें बाय ऑन डिप्स करना है ना कि हमें सेल ऑन राइज करना है इस पे। आई होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूं दो जगह आप बाय कर सकते हो और एक जगह जहां पर आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। पहली जगह बाय कब कर सकते हो, 17,660 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है। दूसरी जगह कहां पर बाय कर सकते हो, अगर ये 17,440 पे आता है, अभी करंट प्राइस है 17,600, अगर आपको 60 पॉइंट्स ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो बाय करना, अदरवाइज आपको 150 पॉइंट नीचे मिले तो बाय करना है। अब शॉर्ट कहां पर करें, शॉर्ट हम तब करेंगे ये जो लाइन देख रहे हैं 17,540 का, अगर 17,540 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस लेवल। बट याद रखिएगा शॉर्ट कर रहे हो तो मार्केट रिवर्सल जरूर दे सकती है, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को कॉशियस रहना, बाय ऑन डिप्स हम लोगों को डेफिनेटली करना है, मुझे लगता है एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है कल, एक गैप डाउन ओपन हो सकता है, बट एक दोबारा बाइंग आ सकती है, उसको फाइंड करिएगा और एक बाय साइड में ट्रेड कमा के पैसा आप कमा सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे कि कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेजिस्टेंस हमें दोनों साइड में देखने को मिल रहा है और FIIs कर क्या रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो भी चेक करते हैं। सो बैंक निफ्टी का मैंने ओपन कर लिया है, तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे एक न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट करा था, उसके बाद हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर देखा था, वो तो होता ही है, बट अब न्यू लाइफ टाइम हाई पे ये जा चुका है, अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहां पर एक बाइंग डेफिनेटली आ सकती है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि निफ्टी के अंदर अगर एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और एक गैप डाउन होने के चांसेस हैं, तो शायद बैंक निफ्टी भी तो गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो यहां पर भी बॉके सेलेक्ट करने हैं। अब आप एक बात याद रखिएगा कि निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट अपने प्रीवियस हाई को दे चुकी है और वहां से कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे हाई बना रही है, बट बैंक निफ्टी ने कल के ट्रेडिंग सेशन पे करा है, तो आई थिंक ये बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग है। तो अगर बाय ऑन डिप्स की सलाह लेनी भी हो ना, तो आप बैंक निफ्टी पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब एक बात याद रखिएगा, हमें करना कहां पर है, बार हमें करना है, देखिए सबसे जो ये कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल, इस पूरी कैंडल का ये 38% है और ये वाली कैंडल का लो है, तो इस पे अगर आपको मिलता है जो कि 37,400 और 500 है,
तब हम लोग अपनी बाइंग कर सकते हैं, अगर बाय चांस गिरावट आती है। अदरवाइज अगर बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग तब भी बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अच्छे लेवल्स दे सकता है, अगर ऊपर खुलता है तो भी बाय है, नीचे खुलता है तो 37,500 के आसपास हम लोग इस पर भी बाय बना सकते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग चलते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है। आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आखिरी शुरुआत से लेकर अभी तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमें डू मोटिवेटर्स, क्योंकि मैंने इस पूरी आने वाली वीडियोस के अंदर एड्स हटा दिए हैं, कोई भी मैंने YouTube के थ्रू इनकम सोर्स नहीं रखा आप लोगों के लिए सिर्फ। तो हमें आप थोड़ा सा गाइज मोटिवेट जरूर कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग आवर YouTube चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। तो चलते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ। सो गाइज हम लोग अपने ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ आ चुके हैं एंड मैंने निफ्टी का सबसे पहले ओपन करा है। तो एक बार ना कॉल और पुट चेंज देख लेते हैं। तो कॉल चेंज मुझे दिख रहा है 30 मिलियन एंड पुट चेंज दिख रहा है 13 मिलियन। सो बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। अब कॉल चेंज अगर ज़्यादा है तो यानी कि ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो लिमिटेड है, और नीचे गिरने के जो बेस बना हुआ है वो बेस कम है, वीक है, तो और नीचे जा सकता है। तो अभी हमें ये बता रहा है। अब एक बार ग्राफ को देखकर पता लगाते हैं, बार्स को। सो हाईएस्ट पुट का ओपन चेंज मुझे देखने को मिल रहा है 17,600 पे। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ। अभी करंट प्राइस चल रहा है 17,585, तो मतलब 17,600 के बिल्कुल पास चल रहा है और एग्जैक्टली वही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट चेंज का। तो अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी ना, तो जिन लोगों ने भी ये 13 मिलियन जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने जहां अगर 17,600 पे पुट को शॉर्ट करा होगा, वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, बिकॉज एक गैप डाउन ओपनिंग आई है और वो 17,600 के नीचे जा चुका है। तो जिन लोगों ने भी पुट को शॉर्ट करा होगा वो लोग एग्जिट करेंगे, जैसे ही एग्जिट करेंगे तो पुट के अंदर बाइंग होना स्टार्ट होगी, गिरावट और बढ़ सकती है। तो वो जो गिरावट बढ़ेगी वो 17,400 तक लेकर जा सकती है, जहां पर हम लोगों को अपने बाइंग के मौके सेलेक्ट करने हैं। आई होप आप लोगों को अब पता चला होगा कि ऑप्शंस और टेक्निकल्स कैसे रिलेटिव बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,400 पे, और हम लोगों ने बैंक निफ्टी को बाय करने के मौके कहाँ देखे थे, 17,400 पे। अब आप देख रहे हैं टेक्निकल्स और ऑप्शन एक ही चीज़ बता रहे हैं। तो इस तरीके से आने वाली जो अभी मेरी ऑप्शन की सीरीज है ना, मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों का माइंडसेट पूरा बदल जाए ऑप्शंस और टेक्निकल्स को देखने का। अब एक बार बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में कॉल चेंज है 6 मिलियन एंड पुट चेंज है 4.2 मिलियन, तो ज़्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम लोगों को, मैंने अभी आपको क्या बोला टेक्निकल एनालिसिस पे, अगर बाय ऑन डिप्स करना भी है और अगर ट्रेड करना भी है तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं गया और अभी करेंटली इसने अपने नई लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है 38,000 पर, जो कि करेंट लेवल से 200 पॉइंट ऊपर है, एंड बढ़िया सपोर्ट आ रहा है 37,500 पर, जहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि हमें बाय करना है। तो जैसे ही 37,500 आता है हम लोग बाय कर सकते हैं, हाईएस्ट रेजिस्टेंस तब भी 38,000 आएगा और हम लोगों को टारगेट्स अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। अब एक बार एफआईआर डाटा चेक करें, तो एफआईआर डाटा मुझे बता रहा है कि कॉल और पुट चेंज दोनों में 2-2 लाख क्वांटिटीज बाय है, तो ऑप्शंस में उन लोगों ने ज़्यादा कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करी है, ठीक है, एक साइडवेज है वो लोग। अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो उन लोगों ने 2,100 क्वांटिटी बाय कर रखी है, 21,000 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है। तो अब देखिए दो सिनेरियो, अगर कल मार्केट एक गैप अप ओपन होती है और ऊपर जा रही है 1-2 मिनट, ये अब आपको याद ध्यान से समझेगा जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और एक मिनट की कैंडल अगर 3 कैंडल ऊपर जा रही है तो तुरंत बाय कर लेना। अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपन हो रही है और अगर 3 कैंडल शुरुआत की 1-1 मिनट की नीचे जा रही है, तो कोई भी ऊपर पुल बैक दिखे ना, वहाँ पर शॉर्ट कर देना और हमारे जो टारगेट्स हम लोगों ने टेक्निकल बेसिस पर डिसाइड कर रखे हैं वो हमें मिल सकते हैं। अब दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोगों ने अभी आपसे बोला कि अगर 3 कैंडल नीचे बन जाती है तो शॉर्ट कर लेना, बट आप तो बोल रहे हो सर एफआईआई ने तो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है वो भी 2100 करोड़ का, तो हम क्यों शॉर्ट करें। देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो है, जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, जब भी कुछ ऐसा सीन आता है कि मार्केट वीक है और वो नीचे जा रही है और एफआईआई ने लॉन्ग कर रखा है, तो होता क्या है, शुरुआत में तो मार्केट गैप डाउन खुलेगी और नीचे जाएगी, बट आते आते मार्केट रिकवर कर जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम लोग कम क्वांटिटीज पे शॉर्ट करेंगे और अर्ली एग्जिट करेंगे, और हम लोग नीचे मौके सेलेक्ट करेंगे कि हमें बाइंग कहाँ पर करनी है, और वहाँ पर बाइंग करके हम लोग जो इन लोगों ने एफआईआई डाटा के थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब हम इनको एक्चुअल में फॉलो करने वाले हैं, बट साइड बाय साइड हम लोग सेल साइड में भी पैसा कमाएंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं,
FI इज टू बाय साइड में, लॉन्ग साइड में, तो अगर कल कोई डिप आती है तो डेफिनेटली एक रिकवरी आएगी। वो रिकवरी में भी तो हम पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, बट शॉर्ट साइड में भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।